कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलिस प्रशासन किसी की नहीं सुन रहा है, खुद भाजपा के नेताओं की नहीं सुन रहा है। अगर ये फोन कर दे तो अगर वो 5,000 मांग रहा होगा तो इनके फोन करने पर 10,000 मांगेगा। जल्दी से जवाब दीजिए सर। ये समाजवादी पार्टी के हमारे युवा युजन सभा के अध्यक्ष हमारे सबसाल भाई, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। निश्चित रूप से उनकी बातें हैं, उनको मैं सुन रहा हूं, लेकिन इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो उनके नेता हैं, वो लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं और उसी के एवज में भारतीय जनता पार्टी बात करें कि जनता परेशान है, पैसा ले रही है। नहीं, ये इनके आरोप हो सकते हैं, इसका इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में एक बहुत बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का मजबूत होना भी था। कवियों से सवाल ले लेते हैं, ये जो नेताजी लोग बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ये सच बोल रहे हैं? ये लोग अभी चुनाव के मुद्दे ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ऑनलाइन सुना दीजिए इन लोगों को जरा। अब एक मुद्दा जैसे अभी किसी ने बताया कानून व्यवस्था एक मुद्दा हो सकता है। स्थानीय मुद्दे जो हैं, जैसे किसी ने बताया घसियारीपुरा, उनपे भी चुनाव होगा। ये लोग अभी सिर्फ जो ये स्थानीय चुनाव है, और स्थानीय चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पर ही होता है, उन्हीं पे होगा। और ये मुद्दे अभी कोई फाइनल नहीं कर पा रहा है। लोग कोई जो है ब्राह्मण ठाकुर कर रहा है, तो कोई जो है ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की बात कर रहा है। फिलहाल एक मुद्दा कानून व्यवस्था, उस पर 4 लाइनें बोलूंगा कि जो थे विरोध में उन्हें भाते चले गए, जो थे विरोध में उन्हें भाते चले गए, माँ भारती का फर्ज निभाते चले गए। और देखे जो माफिया जरा सा बिल से सर निकाल, देखे जो माफिया जरा सा बिल से सर निकाल, बाबा उन्हें मिट्टी में मिलाते चले गए। ये एक मुद्दा जरूर। एक 4 लाइन और सुनाइए, आप भी कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल देखिए, मैं तो युवा वर्ग से आता हूं और मैं तो सबसे यही अपील करता हूं कि मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन मेरी सबसे यही अपील है कि वोट जो एक मत होता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसको मैं सभी से अपील करता हूं कि उस मत को अपना जरूर प्रयोग करें। तो उस मत के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों के लिए। ले क्रांति की मशाले निकले हैं अब युवा हम, जज्बा लिए ये दिल में बदले जहान को हम, मतदान करें हम। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मतदान करें। जूही राजा जी, हम चाहेंगे कि आप AIMIM से हैं, आप प्लीज यहाँ खड़े हो जाइएगा, आपसे भी हम सवाल जवाब को भी मंच देते हैं। मैम, आप सबसे ज्यादा तो पार्टी आपकी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन आपको तो विधानसभा में इतने वोट पड़े कि नोटा से भी कम वोट मिले थे। कांग्रेस से भी जवाब ले लेंगे। बोलिए, आपका कहने का मतलब है कि नोटा से कम वोट मिले तो क्या हमारा अधिकार नगर पालिका में लड़ने का नहीं? तो कहाँ खड़े हैं आप, यही तो पूछो। तो खड़े तो हैं, आपने हमको बुला के यहाँ पे खड़ा किया, ये क्या हमारी कम जीत है? इन मुद्दों के आधार पर आपको लग रहा है कि पार्टी कहाँ खड़ी है, क्या वाकई में यहाँ काबिज हो जाएगी? नहीं, आप यहाँ पे पार्टी की डिबेट करने आई है, नगर पालिका की डिबेट? नगर पालिका तो नगर पालिका के हिसाब से हम लोग तो खड़े ही हैं, हम लोग अपने सारे मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे भी। हम लोग सारे मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, और हिंदू मुसलमान से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बहराई की तरक्की से मतलब है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। वैसी साहब तो हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं, वो तो मुस्लिमों की आवाज उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने सबकी आवाज उठाई है। अब आप चाहिए तो उसको आप किसी भी चश्मे से देख लीजिए, आप ग्रीन लगाएंगे तो आपको ग्रीन दिखेगा, आप ब्लू लगाएंगे आपको ब्लू दिखेगा, आप जो चश्मा लगाना चाहे लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है जी, जल्दी से और लोगों से। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। कुछ आप कहना चाह रहे थे? मैं कवि साहब का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात आ गई है, कहना चाहूंगा कि माफिया केवल 2 जातियों में ही दिखती है, तीसरी में दबंग नहीं दिखते हैं। वो बाबा को क्यों नहीं दिखते हैं? वो सजातीय हैं इसलिए। और रही नगर पालिका चेयरमैन की बात, साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, चुन चुन के मोहल्ले में वो काम कराते हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि जिस तरीके से नगर की सड़कों को खोदा गया है, जिस तरीके से सारी सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं, जिस तरीके से घसियारीपुरा में पानी भरा है, इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका अध्यक्ष की थी। ले लेते, किसकी जिम्मेदारी है? वो कह रहे हैं घसियारीपुरा में हमारे लायक दोस्त ले देख के चुनते हैं। नहीं, ऐसा इन्होंने गलत आरोप लगाया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला मोहल्ला जो है वो नवागढ़ी है, वहां पे मुस्लिम आबादी नाम निहाद के लोग हैं, 3-4 घर शायद हो। अब आपसे मैं बताऊं कि हमारे लायक दोस्त ने शायद पिछली बार का रिकॉर्ड नहीं देखा, उस बार भी मुझे हिंदू मोहल्ले से काफी वोट मिले थे, और मैं इस बात का पूरा विश्वास
कि इस बार भी हमको इन पार्टियों से ज्यादा कांग्रेस और समाजवाद से ज्यादा उदमोल वोट मिलने वाले हैं मुझे। आपसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं इन्हें, आपसे ज्यादा वोट मिलने वाले हैं इन्हें। हाँ वो तो वक्त बताएगा। देखिए बहराइच में इन्होंने क्या किया, कौन सा काम किया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके चले आए। रेहान साहब देखा आपने, ये राजनीति है। क्या बात हुई कि कितना काम करा, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या किया, मुद्दे ये लेके कौन आया। आज स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अगर भाजपा से कोई लड़ रहा है, भाई ने बहुत सही बात की कि यहाँ लोकल के मुद्दे हैं। सड़क, ये अराजकता देखिए, ये अराजकता देखिए पेड़ लोगों की, ये पेड़ लोगों की अराजकता। जवाब दीजिए, हम लोग, मैं तो आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। बहराइच नगर के जो हमारे मोहल्ले हैं, जो किन्हीं कारणों से वर्तमान चेयरमैन की वजह से या उनके आपस के मतभेदों की वजह से विकास से अछूते रह गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो दो इंजन की सरकार है वो ट्रिपल इंजन में जब तब्दील होगी तो निश्चित रूप से हम एक सुशासन के मुद्दे पर जो वार्डों का विकास है। आपके बगल कुछ बोलने वाले हैं, लोगों के पास जनता ले लेते हैं जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, और भी लोगों को बचे। इस बार यहाँ मुद्दे क्या रहने वाले, जल्दी से आप खड़े होकर देखिएगा। मुद्दा सफाई का है, सफाई नहीं हुई, सफाई हो रही बारा बराबर हर वार्ड में सफाई हो रही है। दस साल से हाजी रियान के लिए बहराइच जिले में हिंदू मुसलमान सबको मिलकर सारा काम उन्होंने किया है। चलिए और भी लोगों से, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, जल्दी से। अरे अरे जब सफाई कर्मी नहीं है तो सफाई कौन करेगा भाई साहब, कौन सफाई करेगा ये बताइए। आप जिस हिंदू मोहल्ले की बात कर रहे हैं वहाँ पे कभी झांक भाई सफाई कर्मी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बसियारीपुरा से मिलेगा, पिछले 10 सालों से, ठीक है जल्दी, पिछले 10 सालों से, जवाब लीजिए। पिछले 10 सालों से, ठीक है, आप जब शहर का हाल देखेंगे तो जितनी सफाई इन 10 सालों में रही है, आजादी के बाद से इतनी सफाई बहराइच में कभी नहीं रही है। आजादी के बाद से 10 सालों से पहले तक इतनी सफाई कभी नहीं रही, कभी नहीं इतनी सफाई, ठीक है चले। हाँ सही बात है, नगर पालिका में, सुनिए, नगर पालिका में वाकई में इससे पहले कभी सफाई नहीं रही। इन्होंने इतनी चोरी की है कि पूरा नगर पालिका साफ कर दिया, साफ हो गया पूरा नगर पालिका। देखिए मैं नौवा गढ़ी और घसियारीपुरा से स्वयं प्रत्याशी हूँ और मैं यहाँ पे बता दूं, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या कोई ये बता सकता है कि पानी निकलेगा कैसे, ड्रेनेज प्लान क्या होता है, कोई बता सके निकलेगा? ये तो वर्तमान चेयरमैन बतावे कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? मैंने नौवा गढ़ी से पानी निकाला है और आज आप जाके देखिए कि 10 साल पहले की पोजीशन क्या थी। लोग अपनी पैंट उतार कर सर पर रखकर निकलते थे नौवा गढ़ी में, आज कोई भी एक ही मोहल्ले केवल नौवागढ़ी होशियारीपुरा की बात नहीं है, पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए, पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव बना करके भेजा है, उस प्रस्ताव का ले लेते हैं। अरे भाई रेहान साहब के प्रतिनिधि ने, एक मिनट सुन लीजिए, रेहान साहब के प्रतिनिधि ने बड़ी अच्छी बात कही कि आजादी के बाद इतनी सफाई नहीं हुई। एक बात और जोड़ देता हूं कि आजादी भी इन्होंने दिलवाई थी, बताना भूल गए, आप ही थे।